उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, क्या आप उसकी सिमिली अभी जो हुआ उससे कर सकते हैं? वह एक वाइड स्प्रेड दंगा था जो कई दिनों तक चला, लोग शरणार्थी शिविरों में रहे, और आप आजकल में जो हुआ उसके ऊपर क्या आप सिमिली मिला रहे हैं उसकी? मतलब मुझे वो नहीं, मैंने सिर्फ बयान का मेल किया है कि अगर पुलिस और प्रशासन साथ में है, आपके पास है सरकार, अगर सरकार रोकना नहीं, बयान का मेल कैसे होगा सर? बयान का मेल ये तो मेल बयान है, आपकी बात कर रहा हूं। एक तरफ से वाइड स्प्रेड रॉइड हो रहे हैं, उसके बाद मुलायम सिंह जी अपना जश्न मना रहे हैं, लोग शिविरों में रह रहे हैं, और आप इसको इन झड़पों से बात कर रहे हैं? ठीक नहीं सर, ये झड़पें थी, मैं मानता हूँ आप गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, परंतु क्यों हुई है? हमारी संवेदनशीलता थी कि हमने ब्रूटल फोर्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हम यदि ब्रूटल फोर्स का उपयोग करते तो जो हमारे निहत्ते निर्दोष दलित भाई थे उनको गोली लगती, हम वो नहीं कर सकते। अरे निहत्तों को गोली मारने के लिए कौन कह रहा है भाई गुलरेज साहब? यहाँ पर नहीं करेंगे। अनुराग जी ने क्या कहा ये कि जो निहत्ते पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गोली मार दी जाए? जब ये बात फोर्स का उपयोग होता है जिस प्रकार के लिए कांग्रेस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश ना करें, कांग्रेस पार्टी हो रही है कि जो लोग फोर्स का उपयोग गोलियां दाग रहे थे उसमें जो लोग गोलियां दाग रहे थे मजलूम है वो मारे जाते हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग के खिलाफ एक्शन में देरी क्यों हुई? कांग्रेस बहुजन समाजवादी आरजेडी के भेड़िए घुस गए थे, हमने वायलेंस नहीं होने दी, परंतु एक एक भेड़िए को चुनकर इंसाफ किया जाएगा। मैं नेशनल टेलीविजन पर